मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वक्त 1000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि सभी लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं। सरकार के द्वारा संक्रमण को रोकने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के द्वारा हार के बाद जिला अध्यक्षों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि यदि चिन्हित करना ही है तो सबसे पहले कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। छोटे लोगों पर गाज गिराना कांग्रेस की आदत रही है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन इससे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार क्यों किया। इस देश का कानून सभी के लिए एक समान है। अब देखिए, बड़ा आश्चर्य है, कांग्रेस ये सोचती है कि नेहरू परिवार एक सम्राटों का परिवार है। इस देश का कानून हर एक व्यक्ति के लिए समान है। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पहले ये तो बताएं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी और प्रियंका गांधी ने भ्रष्टाचार क्यों किया। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने है। यदि जांच एजेंसी अपना काम नहीं करेंगी तो फिर भ्रष्टाचार उजागर कैसे होगा। मुद्दा सोनिया गांधी का नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार का है। और कांग्रेस जिस प्रकार से इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है, ये इस बात को स्थापित करता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। सोनिया गांधी को चाहिए कि वो जांच एजेंसी का सहयोग करें। इस प्रकार से दबाव की राजनीति बनाने के लिए जांच एजेंसी के खिलाफ धरने प्रदर्शन करना जांच को भी प्रभावित करता है और भ्रष्टाचार को भी संरक्षण देता है। ये बात सही है कि पूरे देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 7209 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 174 पॉजिटिव केसेज आए। अब टोटल मिलाकर लगभग 1602 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। पर एक संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि संक्रमण ना फैले, और उसके लिए जो जो उचित उपाय हैं वो सरकार की ओर से हो रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन को लेकर पूरी मुहिम चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अब बूस्टर डोज की जो मुहिम चली है, शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन पर, वो भी काम बहुत तेजी से चल रहा है।